हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 10th की यूनिट 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस यूनिट का क्या नाम है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, के जो एक साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो हम इस लेसन को पढ़ेंगे। एट द एज ऑफ 22 ईयर की अवस्था में ही ए फॉर्मस कोट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, जो एक जो 22 साल के ही थे, जिन्होंने जो स्काउट ऑफ द ईयर और जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जिनको प्रेरणा मिलती है, उन्होंने बहुत ही एक्साइटेड कर दिया साइंटिफिक वर्ल्ड को विद ए न्यू थ्योरी। उन्होंने क्या दे दी, एक नई थ्योरी दे दी। क्या थी वो? ऑन हाउ सेल वर्क, की जो सेल है, कोशिका है, वो कैसे काम करते हैं। रिचर्ड एच इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। जो रिचर्ड एच इब्राइट थे और जो इनके जो कॉलेज के रूममेट थे ना, उन्होंने एक्सप्लेन किया था थ्योरी किस चीज़ की, इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। जो ये आर्टिकल था ना, इसमें इन्होंने जो थ्योरी अपनी एक्सप्लेन की थी सेल की। तो क्या होता है बच्चों, जो ये पीएचडी करते हैं ना, जो हायर स्टडी करते हैं, ये अपना जो भी थ्योरी होती है इनकी, जो एक साइंटिफिक जर्नल्स होती हैं उनमें पब्लिश करते हैं, पर उनमें फिर इनको पूरे जो संसार के लोग, साइंटिफिक वर्ल्ड होता है, इनको पढ़ते हैं। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ द कॉलेज टाइम। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला ऐसा समय था जब इस महत्वपूर्ण जो साइंटिफिक की जो जर्नल थी, मैगजीन थी, इसने क्या किया था, किसी कॉलेज स्टूडेंट का जो वर्क है वो पब्लिश किया था। हमेशा जो साइंटिफिक जो जर्नल होती है ना, वो पीएचडी कर रहे होते हैं या फिर डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनका जो वर्क है, पेपर है, वो इन मैगजीन को भेजते हैं और वो पब्लिश करते हैं। किसी कॉलेज स्टूडेंट का ये बहुत ही वो पहली बार था ऐसा। इन स्पोर्ट्स, खेल के तौर पे ले ले, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट ए बैट। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा जैसे कि जो वो बेसबॉल का जो एक मैच होता है ना, उसमें होम रन मार दिया हो। मतलब ये है कि इन्होंने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कर ली थी। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड। यह क्या था, फर्स्ट था, एक जो लॉन्ग जो एक स्ट्रिंग आ रही थी, यानी कि बहुत सारी जो उन्होंने क्या की, अचीवमेंट की, किसमें, साइंस में, विज्ञान में और दूसरे क्षेत्र में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई, और किससे इसकी सारी शुरुआत हुई थी, बटरफ्लाई से। बटरफ्लाई क्या होती है बच्चों? हाँ सर, मुझे पता है, वो तितलियाँ होती हैं। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। एन ओनली चाइल्ड, वो क्या थे, अकेले चाइल्ड थे। इब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग जो जगह है वहाँ के, जो नॉर्थ में उनका जो बड़े हुए थे, वो कहाँ पर, पेंसुएला में। देर वाजंट मच आई कुड डू देर, वो बोलते हैं, ही सेड, उन्होंने कहा कि वहाँ पर करने को इतना ज़्यादा था नहीं कुछ वहाँ पर। ही सेड आई सर्टनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल सकते थे या बेसबॉल नहीं खेल सकते विद ए टीम ऑफ ओनली वन। वो बोल रहा है कि मैं तो अकेला ही इतने खेल कैसे खेल लूँगा, क्योंकि जो फुटबॉल है या बेसबॉल होता है ना, उसमें एक पूरी टीम चाहिए होती है वो गेम खेलने के लिए। बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थोंग, क्योंकि वो अकेले थे, वो एक काम कर सकते थे, चीज़ों को इकट्ठा कर सकते थे, कलेक्ट थिंग्स, वो इसका उन्होंने हॉबी पा ली। सो ही डिड, तो उन्होंने किया। एंड डिड ही एवर बिगनिंग इन द किंडरगार्डन,
ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाई विद द सेम डिटर्मिनेशन. जब वो किंडरगार्टन में थे ना, छोटे बच्चे थे, वो बटरफ्लाईज को कलेक्ट करते थे, उनको कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे. सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी. वो बहुत ही डिटर्मिनेट, यानी कि ध्यान लगा के वो अपना जो काम करते थे वो. ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स. वो क्या कलेक्ट करते थे, संग्रह करते थे रॉक्स का, चट्टानों का, छोटे छोटे टुकड़ों का, फॉसिल का, जीवाश्म का, एंड कॉइन्स का और सिक्कों का. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनोमर. वो बहुत ही क्या होंगे, एस्ट्रोनोमर, जो अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं. टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट. कई बार वो पूरे किसको देखते रहते थे, स्टार को, तारों को देखते रहते थे सारी रात. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद ए ब्राइट माइंड. जब वो छोटे ही थे ना, तो उसका क्या था, क्यूरियोसिटी थी, जानने की जो इच्छा होती है वो थी, और क्या था इसका, एक ब्राइट माइंड था, तेज दिमाग था भाई. He also had a mother who encouraged his interest in learning. जो उसकी जो माँ थी ना, उन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था कि वो सीखे नई नई चीज़. She took him on trips. वो उसको कहाँ पर ले जाती थी, ट्रिप्स पे, यात्रा पे ले जाती थी. Bought him telescope. उसके लिए टेलीस्कोप खरीदा, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमरे खरीदे, और क्या खरीदा, माउंटिंग मटेरियल. माउंटिंग क्या होता है, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, उसके लिए जो मटेरियल होता है वो खरीदे, एंड अदर इक्विपमेंट और दूसरे सारे उपकरण. एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज. और जो कई जो वेज होते हैं, तरीके होते हैं, उनमें उनकी मदद की. आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल. हिज मदर सेड. उसकी माँ ने कहा कि मैं ही इसकी जो कंपेनियन थी, साथी थी, जिसके साथ ये खेलता था, जब तक इसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया. आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम. मैं इसके लिए जो है क्या लेके आती थी, फ्रेंड्स, दोस्त आते थे इसके लिए. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. परंतु जो रात को हम दोनों चीज़ें करते थे एक साथ. रिची वॉज माई होल लाइफ. जो रिची था, आफ्टर हिज फादर डाइड, जब रिची था वो ही मेरी पूरी दुनिया था. जब उनके जो फादर थे उनकी डेथ हो चुकी थी, व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब जो रिची था वो थर्ड ग्रेड में पढ़ रहा था. शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. वो और जो उसकी जो माँ थी, प्रत्येक जो शाम को बिताते थे किस काम पर, जो उनका डाइनिंग टेबल होता है ना, जहाँ पर खाना खाते हैं, उस टेबल पर वो बिताते थे. इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसको जो चीज़ें हैं नहीं करनी थी, आई फाउंड वर्क फ्रॉम हिम. जो उसकी जो माँ थी उसके लिए वर्क ढूंढती थी, काम ढूंढती थी. नॉट फिजिकल वर्क, कोई शारीरिक काम नहीं ढूंढती थी वो, बट लर्निंग थिंग्स, परंतु ऐसी चीज़ें जिससे वो कुछ सीख सके, लर्न कर सके. हिज मदर सैड, उनकी माँ ने कहा. ही लाइक्ड इट, उनको ये काम पसंद था. ही वॉन्टेड टू लर्न, वो सीखने चाहते थे. ही वॉन्टेड टू लर्न बच्चों, एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा. ही अर्न्ड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल्स. उसके जो स्कूल्स में जो अच्छे नंबर आए, उसके ग्रेड्स आए, मार्क्स आए, बढ़िया आए. ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स. वो एवरी डे, प्रत्येक जो दिन चीज़ें थी जो दूसरे बच्चों की तरह ही थी. हिज मदर सेड, उसकी जो माँ ने कहा. बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में था, उस टाइम पर क्या हुआ, ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई. सभी जो 25 जो प्रजातियों की जो बटरफ्लाई नस्ल मिलती है ना, सभी उसने कलेक्ट कर ली थी, इकट्ठा कर ली थी. फाउंड अराउंड ही जो उसके जो होम टाउन में जो स्पीसीज मिलती हैं, तो ये सब उन्होंने सभी इकट्ठा कर ली थी. दैट प्रोबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग. वो ही सैड, वो बोलता है कि वो
हो सकता था कि वही जो बटरफ्लाई कलेक्ट कर रहे हैं, तितलियों को कलेक्ट कर रहे हैं, वो मतलब कि हो सकता है कि वो एंड ही होता उसका। बट देन, परंतु क्या हुआ, देन माई मदर गोट मी ए चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। फिर जो मेरी माँ है मेरे लिए एक बुक ले आई, और बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, जो मोनार्क एक्स है उसकी क्या यात्रा। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, वो जो बुक है वो क्या बताती थी कि जो जो मोनार्क जो बटरफ्लाई होती है ना, वो कैसे ट्रेवल करती है, कैसे यात्रा करती है, और वो कैसे माइग्रेट हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना माइग्रेट होना बोलते हैं, कहाँ पर, सेंट्रल अमेरिका में। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, जो ईगर क्या होता है, जिसकी जो रुचि होती है कुछ नया सीखने पे, जो यंग जवान जो कलेक्टर था ना, उसकी क्या साइंस की जो दुनिया है वो खोली। किसने खोली, उस किताब ने, और उस किताब का क्या नाम था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो उस किताब ने इसके नई दुनिया खोली साइंस की इसके लिए। एट द एंड ऑफ द बुक, जब वो बुक के अंत में थे, रीडर वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, जो रीडर्स थे उनको इनवाइट किया गया था कि किस लिए, कि ताकि वो स्टडी कर सके, पढ़ सके बटरफ्लाई का जो माइग्रेशन होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्गहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो के ये जो थे इन रिसर्चर थे, और उन्होंने क्या किया था उनके भाई, जो बटरफ्लाई है उसको टैग लगा दो कनाडा के। अ ब्राइट मदर रोट टू डॉक्टर उर्गहार्ट, जो उसकी जो माँ थी ना ब्राइट की, उसने डॉक्टर को लिखा, एंड सुन, और जल्दी ही ब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग टू विंग ऑफ द मोनार्क, और जल्दी ही जो हल्के से वो टैग्स वो लगाने लगा, किस पर, जो बटरफ्लाई होती है तितलियों के, उनको पंखों पर, विंग्स पर। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्गोहार्ट, किसी को भी जो टैग जो मिलता था बटरफ्लाई का, उसको बोला गया कि भाई इसको जो टैग है वो रिटर्न करो, किसको, डॉक्टर उर्गोहार्ट को। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर, जो लेट जो अंतिम जो समर थी, गर्मियाँ थी, वो 6 वीक्स तक, वो सप्ताह तक वो सीजन चला। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाई वन, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, अगर तुम एक एक तितलियों को पकड़ोगे ना तो तुम ज़्यादा तितलियाँ नहीं पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ए ब्राइट वॉज टू रेज ए फ्लोक ऑफ बटरफ्लाई, तो नेक्स्ट जो स्टेप था इसके लिए, ए ब्राइट के लिए, वो क्या था कि एक जो पूरा जो है बटरफ्लाई है उनको वो रेज करे, यानी कि उनकी देखभाल करे और उनको बढ़ा करे। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क उस बटरफ्लाई को पकड़ता था, वो टेक हर एग, उसका जो अंडा ले लेता था, एंड रेज देम इन इज बेसमेंट, और जो अपने जो बेसमेंट था वहाँ पर उनको बड़ा करता था, रेज करता था, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनकी जो लाइफ साइकिल होती थी उससे, फ्रॉम एग्स टू कैटरपिलर, एग्स से कहाँ पर कन्वर्ट होती थी वो, कैटरपिलर से किस में, प्यूपा में, और प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई, बड़ी बटरफ्लाई में। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई, और फिर वो क्या करते था, बटरफ्लाई पर निशान लगा देता था, टैग कर देता था। थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हजारों जो मोनार्क थे अलग अलग स्टेजेस में, अवस्थाओं में, किस में, डेवलपमेंट में, उसमें क्या हो रहा होता था, तरक्की डेवलपमेंट हो रही होती थी। इस तरह से उसने उनको टैग किया था, और 6 वीक में उसने कितनी ये वाली कितनी बटरफ्लाई इकट्ठा करी, ये वाली कितनी करी, इस प्रकार से वो उनको इकट्ठा करता था, पकड़ता था, नंबर कलेक्टेड।
इवेंचुअली क्या हुआ, आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई, जो इनका जो है इंटरेस्ट है, रुचि नहीं रही वो टैग करने में बटरफ्लाईज को, इट इज़ टीडियस, यह थकाने वाला काम था एंड देर इज नॉट मच फीडबैक, और इतना जो है फीडबैक भी नहीं आ रहा था इसका, एल्ब्राइट सेड, ब्राइट ने कहा। इन ऑल द टाइम आई डिड इट वी ही लव, वो हंसते हुए उसने बताया कि जितने भी टाइम पर मैंने ये किया ना, ओनली टू बटरफ्लाईज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, केवल जो दो बटरफ्लाई थी ना जिनको टैग किया था वो रिकैप्चर, दोबारा कैप्चर की गई थी, पकड़ी गई थी, एंड देवर नॉट मोर देन 75 माइल अवे फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो वहाँ से 75 मील की दूरी पर थी जहाँ पर मैं रहता था, उतनी दूर वो उड़कर गई थी और वहाँ से उनको पकड़ा गया था। देन फिर क्या हुआ, इन सेवन्थ ग्रेड जब वो सातवीं ग्रेड में आया, ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट द रियल साइंस इज, उसको एक हिंट मिली किसकी, कि जो रियल है वास्तविक जो साइंस है वो क्या होती है। व्हेन ही एंटर्ड ए कंट्री साइंस फेयर, जब उन्होंने जो कंट्री के जो साइंस फेयर होता है ना, विज्ञान का जो मेला, उसमें हो गई एंड लॉस्ट, और वो वहाँ पर जाकर क्या हो गया, हार गए। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग, ये बहुत ही जो एक सैड फीलिंग होती है, बुरा जो फीलिंग होती है कि नॉट गेट एनीथिंग, कि इनको कोई नाम वहाँ पर नहीं मिला, वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, परंतु जो दूसरे बच्चे थे ना उनको कुछ न कुछ समथिंग रिवार्ड, जिनको कुछ न कुछ जरूर मिला था। एल्बर्ट सेड, एल्बर्ट ने कहा, हिज एंट्री वाज स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू, जो उसकी जो एंट्री थी वहाँ पर कंपटीशन में, क्या थी वहाँ पर, फ्रॉग यानी के मेंढक के टिश्यू थे, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो जिनको दिखा रहा था किसमें, माइक्रोस्कोप के नीचे, ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, देन विनर हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, जो विजेता था उसने कोशिश की थी जो असली वास्तविक जो एक्सपेरिमेंट करने की, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, यही नहीं था कि एक साफ सुथरी जो है कि वो डिस्प्ले कर दी जाए कि भाई मैंने तो बढ़िया साइंस कर दी, परंतु वास्तविक में ही उसने साइंस वाला काम किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव रिचर्ड ब्राइट वॉज अपेयरिंग ऑलरेडी, यानी कि जो एक कम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, आत्मा होती है कंपटीशन वाली, वो उसके अंदर जाग रही थी, अपेयरिंग यानी कि आ रही थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर, मैं जानता था कि भाई अगले साल जो होगा ना फेयर मेला होगा, आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे कोई एक वास्तव में रियल सच्चा कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। ही सैड, उसने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्टोर्स, जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, विषय जिसको सबसे ज़्यादा ये जानते थे वो कौन सा था, इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़ों का वर्क होता है, काम होता है। आई वुड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर, कई सालों से जो काम है, ये कार्य है इंसेक्ट वाला कर रहे थे, ये उनको कलेक्ट करने का। सो ही रोड टू डॉक्टर उर्कोहार्ट, उनको उन्होंने पत्र लिखा फॉर आइडियाज, आइडिया के लिए, एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशन, और उनके पास कुछ सुझाव आए फॉर एक्सपेरिमेंट करने के। दोज केप्ट ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, पूरे हाई स्कूल में जो आइडिया थे इसको बिजी रखा, एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन कंट्री, और जो प्राइज प्रोजेक्ट इसने जीते कंट्री में, एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो साइंस विज्ञान के जो फेयर्स होते हैं मेले, उसमें इन्हें इनाम जीते। फॉर हिज एट्थ ग्रेड प्रोजेक्ट, जो आठवीं ग्रेड में इसको जो प्रोजेक्ट मिला, एल्बर्ट अब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिसीज, एक जो वायरल जो बीमारी होती है ना उसका काज यानी कि कारण पता करने की इसने कोशिश की। दैट किल नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर, जो इसने किल
मार दिए थे, और जो सारी जो मोनार्क होती हैं, जो तितलियाँ होती हैं, उनको कैटरपिलर को मार दिया था। एवरी फ्यू ईयर, कुछ सालों में मार देती थी जो वायरल जो डिसीज होती है, बीमारी। अ ब्राइट थॉट दैट द डिसीज माइट बी कैरिड बाइट ए बीटल, वो हो सकता है कि जो एक बीटल होता है ना, एक छोटा सा जो कीड़ा होता है, वो हो सकता है कि भाई वो ले गए हो। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर, उसने उनको रेज करने की पालन पोषण उसका करने की कोशिश की। इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल, जो पीटल की अनुपस्थिति में उनको रेज करने की कोशिश की उन्होंने। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेड, उसने बताया कि मुझे अच्छे जो है इसके रिजल्ट परिणाम नहीं मिले। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट, परंतु मैं आगे गया और शो दिखाया दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, के जो एक्सपेरिमेंट करने की मैंने कोशिश की है, ट्राई की है। एंड दिस टाइम आई वॉन, और इस टाइम वो जीत गए भाई। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या हुआ, हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी, जो उसका जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, टेस्ट करना था जो थ्योरी, कौन सी थ्योरी को, दैट वॉयस राय बटरफ्लाई जो होती है वो किन को कॉपी करती है, मोनार्क को। तो मोनार्क वाली ये जो ऊपर वाली होती है बटरफ्लाई, ये होती है वॉयस रॉय होती है, ये क्या करती है, इसको कॉपी करती है। द थ्योरी वॉज दैट वॉयस राय लुक लाइक मोनार्क, क्या थी जो जो थ्योरी थी कि जो वॉयस राय है वो किसकी तरह लिखती है, मोनार्क की तरह लिखती है, दिखती है। बिकॉज, क्योंकि मोनार्क डिड नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड, क्योंकि जो मोनार्क होती हैं वो बढ़िया टेस्ट नहीं आती है किनको, बर्ड्स को, पक्षियों को। वॉयस रॉय ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, ये पक्षियों को खाने में अच्छी लगती हैं। सो द मोर टाइम मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस दे लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड डिनर, तो अगर वो ज़्यादातर वो मोनार्क की तरह वो दिखेंगी ना, तो वो कम भोजन बनेगी पक्षियों का। तो इसलिए वो कैसे कोशिश करती थी, मोनार्क की तरह दिखना। ए ब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी, उसका जो प्रोजेक्ट था तो वो देखना था कि इनफैक्ट वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, जो बर्ड है वो मोनार्क जो बटरफ्लाई है उनको खा जाएंगी। ही फाउंड दैट, उनको उसने पाया दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड, जो ऑर्डनरी होता है ना, साधारण जो बर्ड पक्षी का जो खाना होता है ये होता है कि वहाँ पर जो बर्ड होता है वो उसको खाएगा नहीं, जो बर्ड फूड होता है उसको। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, उसको जितने भी जो मोनार्क मिलते थे ना बटरफ्लाई, वो उनको खा जाता था वो स्टारलिंग बर्ड। ए ब्राइट सेड, उसने कहा, लेटर रिसर्च बाई अदर पीपल शोड दैट, जो दूसरे लोगों ने जो रिसर्च की थी ना, उन्होंने क्या दिखाया, वॉयस रॉय प्रोबली डू कॉपी मोनार्क, जो वॉयस रॉय है ये हो सकता है कि भाई ये कॉपी करती हूँ मोनार्क को। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिविजन, इसको कितना स्थान मिला, फर्स्ट मिला जूलॉजी में, एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर, जो कंट्री का साइंस फेयर हुआ था ना, विज्ञान का जो मेला होता है उसमें कौन सा स्थान मिला, तीसरा स्थान मिला इस एक्सपेरिमेंट को इसके। इन हीज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जब उसका जो सेकेंड ईयर था हाई स्कूल का, रिचर्ड ब्राइट बिगेन टू रिसर्च दैट लीड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, उसने क्या डिस्कवरी की, एक अननोन जिस जो इंसेक्ट जो कीड़े के हार्मोन जिसके बारे में पता नहीं था ना, उसकी इसने खोज कर दी। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, जो कोशिका होती है सेल्स होती है उसकी जो न्यू थ्योरी पर भी इसको वो ले गया, उसको लीड किया इसको। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, जो पर्सन था जो इसने आंसर करने की कोशिश की थी वो क्या था,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 जो 12 जो 12 टाइनी गोल्ड सुनहरी जो स्पॉट होते हैं ना उन मनार्क पूपा पे, उनका पर्पज क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। एवरीवन अस्यूम्ड द स्पॉट वर जस्ट ऑर्नामेंट, जो दूसरे होते हैं वो समझते थे कि भाई ये तो ऑर्नामेंट्स है, कोई ज्वेलरी है उनकी, जस्ट फॉर शो है। ब्राइट साइड ब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर उर्काहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। परंतु जो डॉक्टर थे ना उर्काहार्ट, उनको विश्वास नहीं हुआ। टू फाइंड द आंसर, उत्तर का पता करने के लिए, अ ब्राइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस। परंतु सबसे पहले उन ब्राइट ने और जो दूसरे साइंस के स्टूडेंट थे उसको क्या करना पड़ा, एक जो डिवाइस है उसको बनाना पड़ा। दैट शोड, जो बताता हो दर्शाता हो, दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हॉर्मोन, के जो वो स्पॉट है ना जो गोल्ड कलर के सुनहरी कलर के, वो क्या कर रहे हैं, हॉर्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट, जिसकी जो आवश्यकता होती है बटरफ्लाई की डेवलपमेंट के लिए, उसके उत्थान के लिए। दिस प्रोजेक्ट वॉन अ ब्राइट फर्स्ट प्राइज, जो ये प्रोजेक्ट था इनका, वो क्या मिला इनको, फर्स्ट प्राइज मिला इन द कंट्री फेयर, जो कंट्री का फेयर था, एंड एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, जो इनको क्या कहाँ पर जो है एंट्री मिली, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग फेयर में इनको जगह मिल गई, एंट्री मिल गई। देयर ही वॉन द थर्ड प्राइज प्लेस फॉर जूलॉजी, उनको कौन सा प्लेस मिला वहाँ पर, तीसरा स्थान मिला जूलॉजी का। ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, जो एंटोमोलॉजी होती है इंसेक्ट की जो स्टडी होती है, उस लेबोरेटरी में इसको जो काम करने का मौका मिला, कब, समर्स में, गर्मियों में, ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, जो आर्मी का जो इंस्टीट्यूट था ना, संस्थान था रिसर्च का, वहाँ पर इनको काम करने का मौका मिला। एज ए हाई स्कूल जूनियर, जब ये हाई स्कूल जूनियर थे, रिचर्ड ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट, जो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे उनको इन्होंने जारी रखा, ऑन द मोनार्क प्यूपा, जो बटरफ्लाई है उस पर, मोनार्क पर। दैट ईयर, उस साल क्या हुआ, दिस हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला हुआ वहाँ पर इसको फर्स्ट प्लेस मिला, स्थान मिला, एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द, और इनको दूसरा मौका मिला काम करने का, कहाँ पर, आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, जो गर्मियों के टाइम पर इनको मौका मिला कि आर्मी लेबोरेटरी में ये काम कर सकें। इन हिज सीनियर ईयर, सीनियर ईयर में क्या हुआ, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, वो एक कदम और आगे बढ़े, ही ग्रू सेल्फ फ्रॉम ए मोनार्क विंग इन ए कल्चर, वो क्या उन्होंने ग्रो किया, सेल एक कोशिका को ग्रो किया, एंड शोड दैट द सेल वुड डिवाइड, और इन्होंने क्या जो उसको शो किया, दर्शाया कि जो सेल है वो कोशिका वो डिवाइड, वो बट जाती है, एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, और किस में डेवलप हो जाती हूँ, एक साधारण सी बटरफ्लाई में, विंग स्केल ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, ओनली केवल अगर उनको जो हार्मोन है वो दिया जाए किसे, वो गोल्ड स्पॉट से, जो उन सुनहरे जो स्पॉट होते हैं ना, जो इन्होंने पहले बताए थे कि वो क्यों थे, वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो दिया जाए। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी, वो जो प्रोजेक्ट था इनका फिर जो है फर्स्ट प्लेस जीत गया, कहाँ पर, एट द इंटरनेशनल फेयर, जो अंतर्राष्ट्रीय जो फेयर हुआ था वहाँ पर। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन के बाद जो समर था, गर्मियाँ इन्होंने बताई कहाँ पर, डूइंग फर्दर वर्क, आगे का जो काम करते रहे, कहाँ पर, एट द आर्मी लेबोरेटरी में, एंड द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर,
और कौन सी लेबोरेटरी में इन्होंने काम किया, आर्मी लेबोरेटरी में, और कहाँ पर, यूनिवर्सिटी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर था उसकी लेबोरेटरी में इन्होंने काम किया, वर्क किया। द फॉलोइंग समर, जो अगले जो गर्मी आई, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो इनका जो फ्रेशमैन ईयर था उसके बाद, ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, वहाँ पर ये वापस चले गए एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और जो गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन निकल रहे थे ना उसको इन्होंने और ज़्यादा काम किया, साइंटिफिक जो वर्क किया यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत ही हाई फाई जो इंस्ट्रूमेंट थे ना लेबोरेटरी के, उनका प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन केमिकल स्ट्रक्चर। वो एबल था, योग्य था आइडेंटिफाई करने में, पता लगाने में, क्या पता लगाने में, हॉर्मोन का केमिकल, उसके जो केमिकल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता, आकृति किस तरह की होती है उसकी, उसको पता करने में सक्षम हो गया, एबल हो गया। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, एक 1.5 साल बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर के दौरान, अ ब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी, जो उसको आइडिया मिला जो न्यू थ्योरी का, अबाउट सेल लाइफ के, जो सेल की जो लाइफ कैसे होती है। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे, जो वो जो आइडिया आया उसको कब आया, जब वो एक एक्सरे को देख रहा था, फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन का, जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना उसके फोटो को वो देख रहा था, जब उसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया। व्हेन ही सॉ दोज फोटो, जब इन्होंने उन फोटो को देखा, अ ब्राइट डिड नॉट शाउट, जब अ ब्राइट चिल्लाया नहीं, जो इरो का एक जो वर्ड होता है, जब कोई साइंटिस्ट जो वर्ड यो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और जो इनको एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना, जैसे दूसरे बोलते हैं कोई विक्ट्री हो गई तो हुर्रा, ऐसे ही हम जीत गए, तो ऐसे ही जो साइंटिस्ट होते हैं जो वो बोलते हैं यूरेका, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला यूरेका वर्ड, और इवन आई हैव गोट इट, और ये भी नहीं बोला कि भाई मैंने ये खोज कर ली है, आई हैव गोट इट। द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल्स, दो एक जो फोटोज थे इनको क्या दिए उन्होंने, आंसर दिए किसके, जो बायोलॉजी की एक, जीव विज्ञान की क्या थी, एक पजल थी, एक रहस्य था, एक जिसका अभी तक किसी को पता नहीं था, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स DNA, के जो सेल्स होती हैं वो कैसे पढ़ सकती हैं किसी ब्लू प्रिंट को, किसके, जो DNA होता है, DNA RNA होते हैं ना, उसके जो ब्लू प्रिंट को कैसे वो रीड कर सकती है, पढ़ सकती है। DNA इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, जो DNA होता है वो क्या सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, किसी न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, जो न्यूक्लियस होता है ना सेल का, उसके अंदर वो होता है, दैट कंटेन हीरेडिटी, और जो जिसके अंदर क्या होती है, हीरेडिटी, यानी कि जो वंशवाद के जो गुण होते हैं उसके अंदर वो होते हैं। इट डिटरमाइन द फॉर्म द फंक्शन ऑफ द सेल, और ये क्या डिटरमाइन करता है, क्या पता लगाता है कि फॉर्म क्या है और इसका फंक्शन क्या है, किसी सेल का कैसे काम करती हो। दस DNA इज द ब्लू प्रिंट ऑफ फॉर लाइफ, और इस प्रकार जो DNA होता है वो क्या होता है, ब्लू प्रिंट होता है किसका, लाइफ का, जिंदगी का ब्लूप्रिंट होता हो। अ ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर रॉन्ग वर्क ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल ऑफ द मॉलिक्यूल टू शो हाउ इट कुड हैपन, जो अब्राइट था और उसका जो कॉलेज का जो रूममेट था ना जिसका नाम ये जेम्स आर रॉन्ग था, उन्होंने जो सारी रात थी वो किस में बिताई, ड्रॉ करने में, जो पिक्चर्स को ड्रॉ करने में, और क्या वो कंस्ट्रक्ट करने में, वो प्लास्टिक का मॉडल बना रहे थे मॉलिक्यूल का, क्या दर्शाने के लिए कि वो कैसे होता है, हाउ इट कुड हैपन,
टुगेदर साथ मिलके दे लेटर रोट द पेपर। बाद में इन्होंने उस जो थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए क्या लिखा, एक पेपर लिखा इन्होंने। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, कोई उनको नहीं जानता था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर, जो एक हाईएस्ट सबसे ऊंचे जो सम्मान के साथ वो ग्रेजुएट हुए। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 बच्चों की जो क्लास में उन्होंने सेकंड जो स्थान प्राप्त किया। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। वो फिर कहाँ चले गए ग्रेजुएट बनने के लिए, कहाँ पर रिसर्च करने के लिए, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, वहाँ पर जो इसने अपनी जो थ्योरी दी थी ना उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने इन्होंने स्टार्ट कर दिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव करेक्ट, अगर जो इन्होंने थ्योरी दी है वो सही साबित हुई, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवार्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जो हम लाइफ है उसकी जो प्रोसेस होती है ना, जिंदगी की जो क्रिया होती है उसको जो अंडरस्टैंड करने में, समझने में बहुत ही बड़ा योगदान होगा ये। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडिया फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर, अगर ये भी हो सकता है कि हम जो बीमारियां होती है कैंसर की उससे बच जाएं, एंड अदर डिजीज और दूसरी बीमारियों से। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, जो उसकी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी ना, जानने की जो इच्छा थी, उसी के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन द मोनार्क पूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। जो ये मोनार्क पूपा थे ना, इनके ऊपर जो इन्होंने रिसर्च की थी कि भाई उनका जो पर्पस क्या है, उन जो गोल्ड कलर के जो सुनहरे जो स्पॉट होते हैं उनका, तो वही जो चीज़ थी जो इनको आगे लेकर सेल लाइफ के बारे में जो इन्होंने थ्योरी दी, वो जो ये काम है वो कर पाए। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई। वो जब से ही जो साइंस में विज्ञान में इनकी रुचि थी, जब वो छोटे से थे और उन्होंने बटरफ्लाई को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नो टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, पर यह बात नहीं है कि जो दूसरे इंटरेस्ट होते हैं, रुचि होती है, उनके लिए इसके पास टाइम नहीं है। ब्राइट आल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर, वो वार्तालाप जो डिबेट करते हैं ना एक दूसरे के साथ, कंपटीशन होता है उसमें भी वो चैम्पियन बने, एंड पब्लिक स्पीकर और सामाजिक बने स्पीकर बने, एंड ए गुड कैनोइस्ट और कैनोइस्ट बने, जो एक वो होते हैं ना एक आदमी जो किश्ती वो चलाता है, पैडल मारता हो हाथों से, तो वो भी इनको रुचि थी, इंटरेस्ट था। एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और वो एक बाहरी आउटडोर पर्सन भी बने। ये नहीं कि भाई जो आदमी है वो बाहर नहीं जाता है, बाहरी दुनिया का, जिसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, ये एक वो किताबी कीड़ा नहीं थे, ये बाहर भी ये गए। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी हो भाई, एक्सपर्ट बढ़िया फोटो लेने आते हैं, पर्टिकुलर ऑफ नेचर प्रकृति के जो फोटो लेते हैं, एंड साइंटिफिक एग्जिबिट, और जो साइंटिफिक जो प्रदर्शनी होती हैं उनके भी ये फोटो लेते हैं। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, जो हाई स्कूल में वो क्या थे, उनके ए आते थे, वे बिल्कुल ए ग्रेड आते थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि जो पढ़ना था वो आसान था। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवार्ड द डिबेटिंग, जो डिबेट की तरफ इन्होंने अपनी जो एनर्जी है उसको ले गई है, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, और वो वहाँ पर इन्होंने ज्वाइन कर लिया ये क्लब। ही आल्सो फाउंड समवेयर टू एडमायर रिचर्ड ए वाइनर वायर, हिज सोशल स्टडीज टीचर,
वो उनको भी पसंद करते थे, अपने जो वो सोशल स्टडी के टीचर को एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब, और जो क्या थे, एडवाइजर थे, सलाहकार थे दोनों क्लब्स में। मिस्टर वायर वाज परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। उस टाइम पर जो मिस्टर वायर थे, ये बहुत ही परफेक्ट पर्सन थे इनके लिए। ही ओपन्ड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, या ब्राइट साइड, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा जो नए जो आइडियाज होते हैं उनके लिए मेरे दिमाग को इन्होंने खोला। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वायर सेड। जो मिस्टर वायर थे वो बोलते थे, उन्होंने कहा कि हमेशा ही जितना करना होता था उससे भी ज़्यादा करते थे। ये क्या लगाते थे, एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे हमेशा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे। व्हाट प्लेज्ड मी वाज हेयर वाज द पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाई एंड हिज अदर इंटरेस्ट। वो क्या करते थे, 3 या 4 घंटे प्रति रात किस में बिताते थे, वो डिबेट करने में, और वो भी अपनी जो रिसर्च भी करते थे और क्या करते थे, और जो दूसरे अपने जो इंटरेस्ट हैं, रुचियां हैं, वो भी साथ में करते थे। तो मल्टीटास्किंग वो पर्सन थे वही। रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव, वो क्या थे, उनके अंदर क्या थे, कंपटीशन करने की चाह थी। मिस्टर वायर कंटिन्यूड, वो उन्होंने जारी रखा, बट नॉट इन ए बैड सेंस, परंतु वो इतने बुरे जो सेंस में नहीं थे कि वो कंपटीशन ही करना है। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया। रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज। वो इसलिए नहीं कंपटीशन करते थे कि भाई मुझे तो जीतना है और इनाम जीतना है, मुझे प्राइज मिलेगा, रादर उसकी बजाय ही वाज विनिंग बिकॉज वो जीतता था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू बेस्ट जॉब ही कुड। वो अपनी जो बेस्ट जॉब करना चाहता था वो कर सकता था। फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, सही जो रीजन्स थे, कारणों के कारण वो क्या बनना चाहता था, बेस्ट, सबसे बढ़िया बनने की उसमें चाह थी, सबसे अच्छा करना वो चाहता था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और जो वही होता है जिससे आगे जाके एक बड़ा साइंटिस्ट बनता है। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, सबसे जो पहले जो शुरुआत होती है किससे होती है, एक फर्स्ट रेट जो माइंड होना चाहिए। ऐड क्यूरियोसिटी, उसके अंदर क्या डालो, उत्सुकता, जागरूकता, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एंड मिक्स, और उसमें क्या मिला दो, इन द विल, इच्छा शक्ति टू विन, जीतने की, फॉर द राइट रीजन, सही कारणों के कारण जीतने की। ए ब्राइट हैज दीज क्वालिटी, ए ब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज थे, गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक, किस टाइम से, जब उसने जो बुक्स थी, कौन सी बुक थी वो, द ट्रेवल ऑफ द मोनार्क एक्स, जो उसकी जो मम्मी ने उसको ला के दी थी, यात्रा किसकी, मोनार्क एक्स की। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिन्होंने जो साइंस की जो दुनिया थी इनके लिए खोल दी थी, टू हिम, उनके लिए। रिचर्ड ब्राइट हैज नेवर लॉस्ट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, जो रिचर्ड ब्राइट थे ना, उन्होंने कभी भी अपनी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी ना, एक विज्ञान की जानने की जो एक इच्छा होती है, उसको कभी भी इन्होंने खोया नहीं। तो इस प्रकार की रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन की बहुत ही बढ़िया सा ये लेसन था। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।